जिसने मुझे अपनी गोद में बिठाया, जिसने मुझे ममता का दूध पिलाया, जिसने मेरी उंगली पकड़कर मुझे चलना सिखाया, वो मेरी यशोदा मैया ही तो थी अक्रूर जी। अपने यादव वीरों का एक आत्म बलिदानी दस्ता तैयार किया है। सबने मिलकर शपथ ली है कि जब तक लहू की एक बूंद भी उनके शरीर में है, तब तक कंस के हाथ कृष्ण के एक बाल को भी नहीं छू सकेंगे। हम पर विश्वास रखिए भाभी, विश्वास रखिए, हम राजभक्त हैं, राजभक्त हैं, अपने राजा के लिए मरने वाले लोग। हमारी राजभक्ति पर यूं संदेह ना कीजिए, यूं संदेह ना कीजिए। कान्हा केवल मेरा छोटा भाई ही नहीं, मेरा भगवान भी वही है, सो मैं उसे छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। बस चलिए मेरे साथ, मैं आपके सामने चल के उसे सब कुछ बता देता हूँ, चलिए। मुझे बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैंने यहाँ खड़े खड़े सारी बातें सुन ली हैं। तो बोलो, मैं ठीक कह रहा हूँ ना? हाँ दाव भैया। तो कह दो इनसे कि जो मैं कह रहा हूं वही होगा। हाँ अवश्य वही होगा, इस जन्म में आप हमारे बड़े भाई हो, इसीलिए आपकी आज्ञा का पालन करना और सबसे कराना यही मेरा धर्म है। जिसने मुझे अपनी गोद में बिठाया, जिसने मुझे ममता का दूध पिलाया, जिसने मेरी उंगली पकड़कर मुझे चलना सिखाया, वो मेरी यशोदा मैया ही तो थी अक्रूर जी। जिसने मेरे छोटे छोटे कानों में मीठी मीठी लोरियां सुनाई थी, अक्रूर जी वो मेरी यशोदा मैया ही थी ना। बस करो, भगवान के लिए बस करो, मेरे हृदय पर और चुरिया मत चलाओ, मत चलाओ और चुरिया, मैं और नहीं सुन सकूंगी, नहीं सुन सकूंगी। यशोदा, मैं मर जाऊंगी। यशोदा, यशोदा।